बड़े इन्फ्लुएंसर ने ये बात कही थी कि जब भी कोई लड़की अपने आप को एक्सेसराइज करती है तो वो 200% ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। बट गाइस कभी कभी हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस टाइम पे कौन सी एक्सेसरीज पहने और उनको सही तरीके से स्टाइल अप कैसे करें। हे ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम टू माई चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ओवरऑल स्टाइलिश दिखने के लिए आप किस टाइम पर कौन सी एक्सेसरीज पहन सकते हैं एंड आपको उनको सही तरीके से स्टाइल अप कैसे करना है। चैनल पे आप नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। तो स्टार्टिंग में गाइज हम बात करते हैं नेक पीसेस के बारे में। आपने देखा होगा आजकल चौकर नेकलेस बहुत ही ज्यादा स्टाइल में हैं। यू नो चौकर नेकलेस की ये बात बहुत खास होती है, आप इनमें एक बार इन्वेस्ट कर लेते हैं तो ये आपको इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी चले जाते हैं, वेस्टर्न के साथ भी चले जाते हैं एंड एथनिक के साथ भी चले जाते हैं। सो गाइज आपको चौकर नेकलेस तभी स्टाइल करने हैं जब आपका गला बिल्कुल खाली हो एंड आपका जो आउटफिट का नेक है वो भी थोड़ा सा ब्रॉड हो। जब आप ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनते हैं तब भी चौकर नेकलेस बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। सेकंड चीज है गाइज लेयरिंग चेन, तो जितने भी आपकी फेमिनाइन ड्रेसेस होती हैं उनके साथ लेयरिंग चेन्स बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट देती हैं। सो एक सिंगल चेन भी आपकी पूरी लुक बदल देती है, मेक श्योर आप इसमें एक इन्वेस्ट जरूर करें। ओके सो वॉचेस की जब हम बात करते हैं गाइज, आप हमेशा कोशिश कीजिए जो आपकी वॉचेस हैं वो आप हमेशा ब्रांडेड खरीदिए। बाकी एक्सेसरीज जो आपकी होती हैं हैंड बैग्स ज्वेलरी वगैरह वो सब आप लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं, बट हमेशा एक क्लासिक वॉच में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। सो मेटेलिक वॉचेस भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, एथनिक एंड वेस्टर्न के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है। उसके साथ साथ में स्मार्ट वॉचेस भी आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। स्मार्ट वॉचेस को एंड मेटेलिक वॉचेस को आप डेली वेयर पर कैरी आउट कर सकते हैं। इन सबका लिंक गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ कमिंग टू दी हैंड बैग, तो हैंड बैग्स के ऊपर मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं, उसमें से जो ये वाली वीडियो थी उसमें था कि आपको हैंड बैग्स कैसे कैरी करने हैं और कौन कौन से हैंड बैग्स आपके पास होने चाहिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो वहां से आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है गाइस एक्सेसरीज के बारे में, कलर कॉम्बिनेशन। यू नो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं लेकिन हमारी जो लुक है वो हमें कुछ वियर्ड सी लगती है, क्योंकि जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं वो भी एक बहुत मेजर पॉइंट है। फॉर एग्जांपल गाइस रेड के साथ सिल्वर एंड गोल्डन ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, ऑन दी अदर हैंड अगर आप रेड को ब्लू के साथ कंबाइन करेंगे तब वो इतना अच्छा लुक नहीं देगा। अनदर एग्जांपल इज गाइस ब्लू के साथ सिल्वर ज्वेलरी बहुत अच्छी जाती है, वैसे ही ब्लैक के साथ गोल्डन एंड सिल्वर ज्वेलरी दोनों बहुत ही अच्छी लगती है।